उसके बाद शीशे में अपनी शक्ल देखो कि भैया आप सही तरीके से करेंगे, फाड़ के पवार देंगे। एक ऐसे लंबी से कुछ होती है, नमस्कार हमारे भैया, का हाल चाल, हम है संतोष यादव। अगर आप पतले हैं, आप कमजोर हैं और आप बॉडी बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो भैया सिर्फ आप के लिए है। जब भी कोनो बंदा पतला होता है बॉडी बनाने के लिए क्या सोचता है कि भैया जिम ज्वाइन करेंगे, जिम ज्वाइन करेंगे तगड़ी बॉडी बना के फेंक देंगे। लेकिन समस्या ये है कि जिम जाना बड़ी बात नहीं है, सही तरीके से वर्कआउट करना बड़ी बात है। कौन कौन वर्कआउट है जो पतले इंसानों को करना चाहिए जिससे उनकी बॉडी बने? है भी ना, अगर आप कुछ भी अंडबंड करने लगेंगे ना, कुछ भी आड़ा बाड़ा करने लगेंगे ना, तो तीर जो है निशाने पर नहीं लगेगा। जब तीर निशाने पर नहीं लगेगा ना, तो अगर आप पतले हैं ना, और भी कमजोर हो जाएंगे, और भी भ्रष्ट हो जाएंगे, आपकी बॉडी बनने के बजाय बिगड़ने लगेगी। तो कुछ ऐसे वर्कआउट होते हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस होते हैं जो आपको अपने वर्कआउट रूटीन में डालना चाहिए। ई वर्कआउट, ये एक्सरसाइजेस क्या करेंगे पता है? आपकी बॉडी बनाने में, आपको बल्कअप करने में, आपको मजबूत बनाने में, आपको तगड़ा बनाने में ई कसरत आपकी हेल्प करेंगे। तो कौन कौन से वर्कआउट है उनको भी सीखेंगे, किस तरीके से किया जाएगा उनको भी सीखेंगे, और जो हम पतले हैं ना, अपनी तगड़ी बॉडी बना के रख देंगे। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स डू इट। ले फिर आ गए। सबसे पहली चीज आती है हमारे भाई, अगर आप पतले हैं, अगर आप कमजोर हैं, आप बॉडी बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो मेन चीज होता है भैया आपके दिमाग में, आपके दिल को, आपके पूरे सिस्टम को ये पता होना चाहिए कि हमको मेहनत करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आप मेहनत करना नहीं चाहेंगे, तो कभी भी आपकी बॉडी बन नहीं पाएगी, आप मजबूत नहीं हो पाएंगे। मेहनत करने के लिए आपने क्या किया, आप जिम ज्वाइन कर लिए। जिम में क्या करना होता है मेरे भाई, वहाँ वेट्स उठाने होते हैं, बहुत सारे डंबल होते हैं, बहुत सारी मशीनें होती हैं, जहाँ बहुत सारी सिस्टम होता है, वहाँ हमको वर्कआउट करना होता है। अगर आप पहले ही दिन जाएंगे, बहुत ज़्यादा हैवी वेट मार देंगे, या स्टार्टिंग में वजन उठाने लगेंगे खूब ज़्यादा, तो आपकी बॉडी को साइड इफेक्ट क्या होगा पता है? आपको इंजरी हो जाएगी, आपको चोट लग जाएगी। बॉडी बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है, अगर आपने जिम ज्वाइन किया हुआ है, तो पहले खेलना होता है। किसके साथ खेलना होता है? अपने बॉडी वेट के साथ खेलना होता है। अपने बॉडी वेट के साथ कैसे खेले यार? बॉडी वेट एक्सरसाइजेस पे ध्यान दो, जैसे पुशअप्स हो गया। बहुत से लोग पुशअप नहीं कर पाते, बहुत से लोग स्क्वाट नहीं कर पाते, बहुत से लोग पुलअप नहीं कर पाते, कुछ लोग अपने बॉडी एक वेट नहीं उठा पा रहे, तो बॉडी का घंटा बनेगी। अधिकतर लोग एक घंटे एक्सरसाइज करते हैं, एक घंटे में आप 20-25-30 मिनट किसको दे दो? बॉडी वेट एक्सरसाइज को दे दो। उसके बाद जो आधे घंटे बचते हैं ना, जिम में देख ले कितनी मशीन बा, पूरी मिक्स एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। मिक्स एक्सरसाइज मतलब एक दो एक्सरसाइज चेस्ट कर लिए, एक दो एक्सरसाइज बैक कर लिए, एक दो कसरत हम लोग बाइसेप कर लिए, ट्राइसेप कर लिए, शोल्डर के मान लिए, एक आध दो सेट मान लिए हम लोग लेग के, तो पूरा मिक्स एक्सरसाइज करेंगे। इससे क्या होगा ना, आपके पूरी जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ट्रेंड होगी। जब पूरी बॉडी ट्रेंड होगी तो रेडी हो जाएगी, उसको पता लगेगा कि पेन क्या होता है, दर्द क्या होता है, सोरनेस क्या होती है। उसके बाद 15 दिन बाद आपको मसल की एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे एक दिन करते हैं लोग चेस्ट, दूसरे दिन करते हैं बाइक, तीसरे दिन करते हैं बाइसेप। कुछ दिन मिक्स ट्रेनिंग करने के बाद, कुछ दिन अपने आपको रेडी करने के बाद, अब हम रेडी हो जाते हैं उन एक्सरसाइजेस को करने के लिए जो हमारी मसल बिल्डिंग हेल्प करेंगे। हमारा जो बॉडी पतला है उसे तगड़ा बनाने में, उसे बल्कअप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करेंगी। पहली एक्सरसाइज है भैया जिसे बोलते हैं बेंच प्रेस। एक्सरसाइज के साथ साथ बेंच प्रेस एक स्पोर्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है, और इतनी बेनिफिशियल एक्सरसाइज है, इतनी तगड़ी एक्सरसाइज है जो आपकी बॉडी को नेक्स्ट लेवल ले जा सकती है, आपकी ताकत को बढ़ा सकती है। बेंच प्रेस कैसे किया जाता है? एक बारबेल होता है, एक रॉड होता है, उसमें बेंच होती है, उसी पर हम लोग वेट डाल के बेंच प्रेस करते हैं। अगर आप स्टार्ट किया हो तो आप वेट कम डालो, उतना वेट डालो जिसे इजीली से आप उठा लो, तरीके से आप कर लो। फ्लैट बेंच प्रेस बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन इसे करने का तरीका कैसे है? तो भैया पहले बेंच पे बैठ जाओ, बैठ के रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद शीशे में अपनी शक्ल देखो कि भैया आप सही तरीके से करेंगे, फाड़ के पवार देंगे। क्या करो, लेट जाओ। लेट गए ना, मेन टेक्निक ये है कि भैया जो रडिया है ना, बारबलवा है ना, उसे पकड़े कहां? अगर आप बहुत ज्यादा अंदर पकड़ दोगे तो सिर्फ ट्राइसेप टेंड होने लगेगा, अगर बहुत ज्यादा बाहर पकड़ दोगे तो आपकी आउटर चेस्ट टेंड होने लगेगी। तो एक सही स्टांस में पकड़ना बहुत जरूरी है। इसका सबसे अच्छा तरीका भैया, आप शोल्डर देखो, आपका शोल्डर कहाँ है, उससे थोड़ा बाहर पकड़ लो, मान लो 4 चौवा बाहर पकड़ लिए। उसके बाद सांस भर के आप वेट उठाओ, रॉड उठा लो, और सबसे मेन चीज होता है नीचे जाना। नीचे बहुत से लोग ऐसे झट से आते हैं, ऊपर ऐसे गिरते पड़ते ले जाते हैं, तो ई सिस्टम नहीं होना चाहिए। अब नीचे एकदम आराम से जाओगे, फील करोगे, स्ट्रेच करोगे, ऊपर पूरा जाओगे। तो इस तरीके से होता है बेंच प्रेस का प्रोसेस। आपका माइंड, आपकी बॉडी कनेक्ट होगी, तब जाके उसका आपको फायदा होगा एक्सरसाइज का। अगर आप चेस्ट मार रहे हैं, उसमें आप बेंच प्रेस पे ध्यान दीजिए। बेंच प्रेस के कम से कम 4 से 5 सेट रखिए, आपकी अपर बॉडी को मजबूत बनाने में, आपकी मसल बिल्ड करने में। अगर आप पतले हैं तो आपको तगड़ा बनाने में हेल्प करेगा। हमारे भाई बॉडी बनाने के लिए जिम के साथ साथ डाइट पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, तभी तो बॉडी बनेगी। भाई एक ऐसी चीज है जिससे बिना कोनो साइड इफेक्ट के आप अपनी स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड रिकवरी बूस्ट कर सकते हैं, और वो चीज है भैया शिलाजीत, जो कि हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर ही पाया जाता है। भाई मार्केट में इस टाइम पे जो सबसे बेस्ट शिलाजीत है वो है अपीवा का यह हिमालयन शिलाजीत रेजिन। ये लाया गया है 1800 फीट ऊंची हिमालय से, इससे इसकी प्योरिटी का पता चलता है। इसमें 60% से ज्यादा फुल्विक एसिड है, जो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने, एनर्जी लेवल को मेंटेन करने और हमारे सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर करने में मौजूदा हेल्प करता है। इसमें कोई भी हैवी मेटल्स नहीं है जो इसे 100% प्योर एंड सेफ बनाता है कंजप्शन के लिए। मार्केट में बहुत सारे फेक शिलाजीत भी है जिसके प्रयोग से आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन कपीवा के
हिमालयन शिलाजीत का हर बैच जो है ना लैब टेस्टेड होता है। शिलाजीत असली है कि नकली, आप उसे घर पे ही टेस्ट कर सकते हैं। प्योर शिलाजीत जो होता है वो आग में जलता नहीं है, बल्कि उसमें सिर्फ व्हाइट व्हाइट धुआं निकलता है, लेकिन जो फेक और नकली शिलाजीत होता है वो आग में जलने लगता है। ओरिजिनल शिलाजीत जो होता है पानी में घुलने में 2 से 3 मिनट लगता है, लेकिन जो फेक और बेकार शिलाजीत होता है वो तुरंत ही पानी में घुल जाता है। अब आप पूछेंगे संतोष भाई हमने ले तो लिया, लेकिन इसे प्रयोग कैसे करना है? जैसे ही आप इसका डब्बा खोलेंगे ना, पहले तो आप इसमें शिलाजीत मिल जाएगा, दूसरा आपको इसमें एक स्पून मिलेगा। इसी स्पून से मटर के दाने जितना बराबर शिलाजीत गर्म दूध या गर्म पानी में आप मिक्स करके चाहे जब आप कंज्यूम कर सकते हैं डेली। कपिवा का हिमालयन शिलाजीत खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप जाके खरीद सकते हैं, और मेरा कोड KASJ15 लगाकर आपको 15% डिस्काउंट भी मिल सकता है। अब आ गई हमारी दूसरी की एक्सरसाइज। इतनी तगड़ी एक्सरसाइज है ना, मैं भी एक टाइम में बहुत पतला था, बहुत कमजोर था, मेरी बॉडी एकदम झन टाइप थी, लेकिन ई एक्सरसाइज ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, मेरी ताकत बढ़ाने में, स्ट्रेंथ बढ़ाने में। एक्सरसाइज का नाम भैया मिलिट्री प्रेस। ओवरऑल बॉडी का पावर बढ़ाने में मिलिट्री प्रेस हेल्प करता है, लेकिन मिलिट्री प्रेस का एक तरीका होता है, एक जलवा होता है, एक सिस्टम होता है। एक रॉड होती है, एक ऐसे लंबी से कुछ होती है, उसे हम लोग क्या करते हैं, वेट डालते हैं, प्लेट डालते हैं, वजन डालते हैं। आपका जो कंधा है ना उसके समान चौड़ाई में रडिया पकड़ लो, उसके बाद उठाए खड़े हो जाओ, या बैठ के भी कर सकते हो, लेकिन खड़े होने में क्या होता है ना, कुछ ज्यादा ही मजा आता है, कुछ ज्यादा ही फील होता है। वेट को ऊपर उठाना होता है अपने सर के, उसके बाद नीचे लाना होता है। नीचे अगर आप बहुत ऐसे अपने कोहनी को फैलाए रहे हो ना तो लंटा ही है। कोशिश करो जब नीचे आ रहे हो ना आपकी कोहनी सामने की तरफ हो, सामने की तरफ हो, उसके बाद आप ऊपर ले जाएं, सामने की तरफ हो, उसके बाद ऊपर ले जाएं। बहुत ज्यादा झटकेबाजी, बहुत ज्यादा लंठाईबाजी चक्कर मत पड़िए। जब भी आप शोल्डर वर्कआउट कर रहे हो इसके 4 से 5 सेट रखो। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपकी अपर बॉडी को सही फ्रेम देने में, सही लुक देने में, आपकी बॉडी की ताकत बढ़ाने में, पावर बढ़ाने में, साथ साथ आपका पूरा ओवरऑल शोल्डर कंधवा मजबूत करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जब कंधवा मजबूत रहता है, कंधवा तगड़ा रहता है, तो जो आपकी ऊपर वाली बॉडी है, जो ऊपर वाला लुक है, बहुत ही बवाल, बहुत ही तगड़ा लगता है। अब मुद्दा आएगा भाई तिसरकी एक्सरसाइज का। भैया अगर आप पतले हो आप तगड़े कब लगोगे, जब आपकी बॉडी चौड़ी हो। तगड़ा करने के लिए जो तिसरकी एक्सरसाइज है, जो मैं बहुत करता हूँ, मैंने बहुत किया हुआ है, वो है भैया लैट पुल डाउन। ये एक मशीन होती है आपके लैट्स को ट्रेन करने के। लैट्स मतलब जो नहीं दिखता ना, चौड़ा चौड़ा दोनों तरफ ऐसे पंखा टाइप, इसे बोलते हैं लैट। में पूरा कंपाउंड मूवमेंट है, तो जब भी आप बैक ट्रेन कर रहे हो ना तो लैट पुल डाउन को सही तरीके से अगर कर दोगे ना, कसम से बता रहे हैं मजा पाई जाओगे। बॉडी चौड़ी करने में, बैक चौड़ी करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। लैट पुल डाउन का सिस्टम ही होता है, साइंस ही होता है। आप अपने शोल्डर से थोड़ा बाहर पकड़ो या तो एकदम बाहर पकड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सिस्टम ही है। जब आप नीचे ला रहे हो ना तो बहुत से लोग एकदम लेट जाते हैं, उलराई लागत है, तो ये लंठाई नहीं होना चाहिए। आप नीचे ला रहे हो, आपकी बॉडी थोड़ा सा आर्च रहेगी, नीचे ला रहे हो अपने अपर चेस्ट में टच कराओ, फिर ऊपर ला जाके स्ट्रेच करो बे, नीचे लाओ, स्क्वीज करो, पूरा टच कराओ, स्ट्रेच। बहुत ज्यादा झटकेबाजी से मानस को फायदा नहीं होता है, और 80% लोग झटकेबाजी करते हैं, लंठाई करते हैं, वेट के साथ मजाक मस्ती करते हैं, तो ये ना करो। लैट पुल डाउन अगर आप पतले हो तो आपको तगड़ा बना के रख देंगे। जब भी बैक ट्रेंड करो 5 से 6 सेट लैट पुल डाउन के ले लो, ताकि बैक वो ट्रेंड हो जाए, बॉडी वो तगड़ी हो जाए। लास्ट में एक एक्सरसाइज और एक कसरत और, जेकरे बिना हर एक कसरत अधूरा है, हर एक सिस्टम अधूरा है। अगर आप ये मिस करेंगे ना, आप अच्छे से बल्कअप नहीं कर पाएंगे। उसका नाम भैया वेटेड स्क्वाट। बल्कअप करने के लिए, मजबूत होने के लिए, हमारी बॉडी को बढ़ाने के लिए हमें वेटेड स्क्वाट करना ही चाहिए। एक रॉड होती है, उसे हम लोग प्लेट वेट लगा देते हैं, और वो का अपने यहाँ गर्दनवा पिछवा इसे रख लेते हैं, और अथवा पकड़ लेते हैं लोग, वही वेट वाले उठते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उतना वेट लगाओ जिससे क्या होता है, हम सही से नीचे जा सकें, सही से ऊपर आ सकें। टाइम के साथ हम लोग वेट बढ़ाते जाएंगे, लेकिन एकाएक वेट बढ़ाना सही नहीं है, पहले सही से करना सीख लो। वेट लगाए, गर्दन पर रखा और सही ग्रिप से हमने उसको पकड़ लिया, अब क्या करना होता है पता है? अगर आप अपने बॉडी को एकदम झुकाए के नीचे बैठोगे ना, बहुत बड़ी लंठाई। अगर आप अपने बॉडी को कांपते हुए नीचे बैठोगे ना, बहुत बड़ी लंठाई। नीचे जाओ तो आपका जो घुटनवा नहीं है, अरे यार हम ई घुटने की बात कर रहे हैं। एक तो होता है घुटना एकदम ऐसे जाए कि हम लोग बैठा ही रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं होता। एक तो है घुटना वहीं रहेगा, लेकिन हमारी बॉडी ऑटोमेटिक बैठ जाएगी। तो ई होता है अपने पूरे जांग का प्रयोग करेंगे, अपनी बॉडी सीधी रखेंगे, और वहीं पे है घुटना और हम लोग बैठ गए ऐसे। देखो घुटना वहीं है लेकिन हम लोग बैठ रहे हैं। एक होता है ऐसे वेट लेके लोग ऐसे करते हैं, तो ई लंठाई ना करो भैया, इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो स्क्वाट करना है स्लो, कंट्रोल और तरीके से। अगर आप सही तरीके से करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, आपकी पूरी बॉडी की ताकत बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी बल्कअप हो जाएगी, तगड़ी हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। हफ्ते में एक बार 4 से 5 सेट वेटेड स्क्वाट को करो, और अपनी जो कमजोर बॉडी है, पतली बॉडी, उसे तगड़ी बनाओ। तो भैया ये कुछ सिस्टम होता है, ये कुछ तरीका होता है, ये 4-5 एक्सरसाइज होती हैं जो आप अपने रूटीन में अगर डालोगे ना, आपको जिम का फायदा होगा, आपकी पतली बॉडी तगड़ी होगी, चौड़ी होगी, बॉडी बना के रख देंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और होती है, जिसका नाम भैया डाइट, खान पान। और खान पान के लिए मैंने 2 से 3 वीडियो बनाया है,
उनके लिए बनाया, जो हमारे पतले भाई हैं, पतले भाई का खाएं जिनसे उनकी बॉडी बनाने में हेल्प करेगा। तो वीडियो जाए के देखो, एक चीज अपने कॉपी फापी में लिख लो और उसे डेली रूटीन में अपने डाल दो और वही खाना स्टार्ट कर दो और ये एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट कर दो। दोनों को कंबाइंड कर दोगे जो तुम पतले थे तगड़े हो जाओगे, भयानक तरीके की ताकत आ जाएगी और बवाल मचाने लगोगे। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी चीज करो पूरे दिल दिमाग ताकत से करो ताकि आगे चल के बवाल मच सके। जय हिंद।